हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली और आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल सा हेयर कट शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा हिप से भी लॉन्ग लेंथ थे एंड शोल्डर लेंथ तक मैंने उसका कट किया है। कैसे कट किया है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। शोल्डर टू मीडियम लेंथ तक है, पोनी करने पे शोल्डर तक ही आएगा। तो कैसे कट करना है, मैजिकल हेयर कट भी बोल सकते हो, एडवांस हेयर कट भी बोल सकते हो, सब कुछ एक ही कट में बताया हुआ। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड जो मेरा सेकेंड चैनल है प्रीति वाली टू, जिसपे मैं ड्रेस से रिलेटेड ऑल वीडियोज लेकर आते रहती हूँ, ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड, डिजाइनर ब्लाउज, डिजाइनर ड्रेसेस, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो या फिर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज गो टू माय सेकंड चैनल प्रीति वाली टू। एंड थर्ड चैनल भी बना दिया है, शॉर्ट्स वीडियो का है, शॉर्ट्स बाय प्रीति वाली, जिसमें अपनी आवाज में मोटिवेशनल वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो प्लीज उस चैनल पर भी जाइएगा एंड उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। और एक टिप्स दे देती हूँ आपको, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा सर्दियों में ड्राई रह रहा है तो आप वैसलीन के बारे में जानते होंगे एंड आपके बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ रिंकल्स आ रही हैं, तो आप वैसलीन ले लो। वैसलीन को एज ए मॉइस्चराइजर के तौर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड जल्दी आपको इफेक्ट चाहिए तो वैसलीन में विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके नाइट क्रीम के तौर पे यूज करोगे तो आपके रिंकल्स, फाइन लाइन, एजिंग एंड झुर्रियाँ जो फेस पे आ जाती हैं एंड जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगा। तो ये वाला टिप्स जरूर ट्राई कीजिएगा, मैंने खुद पे किया है तब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई भी टिप्स अपने आप पे अप्लाई करने के बाद ही शेयर करती हूँ तो ये 100% इफेक्टिव होता है तभी बताती हूँ, और इफेक्टिव नहीं होता है तो वो भी बता देती हूँ अगर आप लोग कुछ पूछते हो। तो चलिए हेयर कट स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग टू शॉर्ट। तो फ्रेंड्स आप इनका लेंथ देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लेंथ है ये देखिए। एंड इसको मैं कट करने वाली हूँ एंड फुल एडवांस लेयर एंड मैजिकल हेयर कट के साथ आपको ये हेयर कट दिखने वाला है। तो वीडियो एंड तक वॉच कर लीजिएगा, छोड़ के नहीं जाना। तो चलिए मैंने कैमरा पहले आपको इनका लेंथ दिखाने के लिए, पूरे कैमरे में नहीं आ रहा था तो मैंने इस तरीके से उठा के दिखा दिया एंड कटिंग सीट लगा दिया। अब बालों को गीला करेंगे। हाई पोनीटेल मैंने पहले ही बनवा लिया था क्योंकि काफ़ी लेंथ है तो हाई पोनीटेल बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो पहले ही बनवा लिया था एंड आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। अब मैं पोनी को ही गीला कर रही हूँ एंड अच्छे से कॉम करके सुलझा लेंगे। बालों में कहीं भी ट्रायंगल या फिर उलझन नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से सुलझा लेना है अच्छे से गीला करके। उसके बाद कट कैसे करना है, एक ही कट में आप मैजिकल हेयर कट इसको कह सकते हो, एक ही कट में पूरे लेयर्स एंड लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। और पोनी जब आप बनाते हो तो ऐसे हमने नॉर्मल स्ट्रेट कट में जब पोनी बनाते हैं हम लोग तो पोनी नीचे से अजीब दिखती है, अच्छी नहीं लगती है, बट आप इस कट के साथ अपनी पोनी भी बनाओगे तो पोनी हैवी एंड काफ़ी वॉल्यूम एंड स्ट्रेट दिखेगी जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको गीला कर लिया है बालों को, अच्छे से कॉम कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं कर रही हूँ, कई बार आप लोग बोलते हो कि मैम समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, इसलिए फास्ट नहीं किया है और क्या कट दिखाया है आपने। तो इस तरीके से मैंने पोनी को गीला कर लिया है। अब पूरा ऊपर 90 डिग्री पे देखिए, ईयर के जो हमारा क्राउन एरिया होता है ना, ईयर के ऊपर जस्ट वो हमारा क्राउन एरिया होता है तो वहीं पे हमने पोनी बनाई है। एंड जहाँ से हमको लेंथ कट करनी है वहाँ पे मैं एक रबड़ बैंड और लगा ले रही हूँ, ये देखिए पतला वाला रबड़ बैंड लगा रही हूँ, आप चाहो तो मोटा वाला भी लगा सकते हो। तो इतनी हमको पोनी की लेंथ रखनी है इनकी, ओके। तो यहाँ पर रबड़ बैंड लगा दे रही हूँ, ओके। तो इस तरीके से रबड़ बैंड लगा लिया है और जहाँ पे हमने रबड़ बैंड लगाया है जस्ट इसके ऊपर से हम लोग कट करेंगे बालों को। पोनी को थोड़ा सा रबड़ बैंड को और ऊपर खींच दे रही हूँ, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा खींच लिया है, अब इसको आप नीचे की तरफ इस तरीके से ले आओगे, ओके। बिल्कुल स्ट्रेट रबड़ बैंड के साथ, रबड़ बैंड के जस्ट ऊपर से, हाफ इंच ऊपर से, ये देखिए यहाँ पे रबड़ बैंड लगाई है। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा आपको, अब सीजर ले लिया है एंड इस साइड से कट करूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एंड रबड़ बैंड को इस तरीके से टाइटली पकड़ लेना है एंड धीरे धीरे पूरे बालों को कट करना है। मेरी वो मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखिए, मेरे शॉर्ट्स बाय प्रीति तिवारी चैनल पे देखिए। यहाँ पे मैंने पोनी को कट कर दिया है और ये बिल्कुल स्ट्रेट कट हुआ है और पोनी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो पोनी बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट इस तरीके से दिखेगी।
और आप ओपन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए कितनी लंबी पोनी इनकी कट हो चुकी है। ओ माय गॉड। तो चलिए अब इसमें क्या करना है वो भी देख लीजिए। अब मैंने पोनी को खोल दिया है एंड ये इनका मैजिकल हेयर कट रेडी है। इसके साथ आप थोड़ा सा इसको और भी कट करना है जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। पोनी क्लचर जैसे आप बाल रखना चाहो वैसे आपका कट दिखाई दे आपके बालों में। तो इस तरीके से मैंने इसको कॉम किया है। ऊपर छोटी लग रही थी बट इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं गई है। ओके वाह। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको लगे कि लेयर्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा और बालों को गीला कर ले रही हूँ यहाँ पे। ओके एस्ट एंड तक वीडियो देखिएगा फाइनल लुक देखने के लिए। यहीं पे छोड़ के भाग जाओगे तो आपको फाइनल लुक नहीं दिखेगा, एंड कैसा लुक आया था वो भी नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग क्राउन एरिया पे इस तरीके से हेयर को लेंगे एंड अच्छे से कॉम करेंगे। यहाँ पे टेलकॉम यूज कर लीजिएगा। अगेन इसको अपर डायरेक्शन में 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इतने ही हेयर जितने मैंने लिए हैं 2 इंच तक हेयर अगेन कट कर देंगे, 2 इंच छोटे कर देंगे जितने हेयर लिए हैं उतने के ही छोटे करके इस तरीके से कट कर दिए हमने। सीजर को स्ट्रेट रख के चम्पिंग मतलब कट छोटे छोटे कट्स दे देंगे ताकि लेयर्स हमारी बहुत अच्छे से दिखाई दे। और ये बहुत अच्छे से हमारे बालों में लेयर आ गई थी। अभी क्या करना है, वाओ, अब इसको फिनिशिंग देंगे। तो फिनिशिंग कैसे देना वो भी बता रही हूँ, जाइएगा नहीं। सेंटर पार्टीशन से इसको मांग निकाल लेंगे बालों में, क्लचर भी लगाएंगे, पोनी बनाएंगे, सब में बहुत अच्छा लुक आने वाला है। सेंटर पार्टीशन से मांग निकालेंगे, मिडल बीच बीच की मांग मतलब, और ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेंगे इस तरीके से। फ्रंट में कट करना था हेयर को इसलिए। ओके इस तरीके से। अब नोज से लेके शोल्डर तक तिरछी हेयर कट कर देंगे जैसे लेयर्स कट करते हैं उस तरीके से। तो इस तरीके से लिया है मैंने और यहाँ से एकदम नोज के सीध में, नाक के सीध में लाके जितने एक्स्ट्रा हेयर सबको कट कर देंगे, बहुत अच्छा लुक आएगा। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। तो इस तरीके से ले लिया और ऐसे पकड़ के जो हमने गाइडलाइन ले लिया उसके अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट कर देंगे और ये काफ़ी अच्छा सा यहाँ से लुक आ जाएगा। अभी क्या करना है, बैक में हमको फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग के लिए अच्छे से कॉम कर लेंगे बालों को। तो इस तरीके से स्ट्रेट कॉम करेंगे, ये देखिए पूरी लेंथ में यहाँ पे दिखा दे। उसके बाद से आपको कट कैसे करना है वो भी बता रही हूँ। अब वी यू शेप में इसको कट करेंगे, नीचे से हम स्ट्रेट ही रखेंगे, ज़्यादा राउंड में नहीं देना है। अगर बालों की वॉल्यूम कम है या फिर बालों को आप बहुत ज़्यादा घना दिखाना चाहते हो तो नीचे से बहुत ज़्यादा डीप वी में या फिर यू में नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट कट कर दो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे वी में दी सॉरी यू में दिया था और नीचे से इस तरह इतने हेयर स्ट्रेट रखे थे और ऑलमोस्ट हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो गीले बालों में ये ऐसा दिख रहा है, सूखने सूखने के बाद और अच्छा प्यारा सा दिखेगा लुक। वाओ, सारे लेयर्स बहुत अच्छे से आ गए थे। आप इसको चाहो तो सॉरी मैंने अपने ही बालों के क्लचर निकाल के लगा दिए थे, मिल नहीं रहा था इनका। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से सारे लेयर्स आपको आई होप कि दिख रहे होंगे। और वाह, तो कैसी लगी आपको हेयर कटिंग, आई होप कि पसंद आई हो। तो गीले बालों में ये कुछ ऐसा दिख रहा था एंड बाल सूखने के बाद कैसा लुक था वो भी मैं आपको अभी शो कर देती हूँ एंड पोनी में कैसा दिख रहा था वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्लचर लगाओगे तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा एंड जब आप इसको पोनी बनाओगे तो 1 सेकेंड,
इस तरीके का लुक है एंड पोनी के साथ कैसा लगेगा वो भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इनको खुद बोला था, सॉरी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो मैंने बोला कि पोनी बना के दिखाइए, तो इस तरीके का पोनी के साथ लुक आ रहा था। और ये बाल सूखने के बाद मैंने लिया था, देखिए कितने अच्छे और प्यारे से लग रहे हैं और काफ़ी शॉर्ट भी नहीं हुए हैं एंड ऑटोमेटिकली थोड़े से कर्ल्स आ गए जिससे बालों में वॉल्यूम दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये है हेयर कट का फाइनल लुक। तो आपने देखा फाइनल लुक कैसा था, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा ना, नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा और दोनों चैनल पे जरूर जाएगा। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पे मेरी रील्स वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।